सो हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड माय न्यू वीडियो गेमप्ले के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट की एक न्यू वीडियो गेमप्ले के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं जो यहाँ पे सर्वाइव करने वाला हूँ वो भाई बहुत ही खतरनाक वाली जगह होने वाली है। वो जगह है हमारा पूरा बेस्ट लैंड, ये देख सकते हो पूरी, मतलब पूरा अब दूर दूर तक देख सकते हो पूरा भाई मतलब डेजर्ट बना हुआ है। और आज मेरे को यहाँ पे सर्वाइव करना है 15 डेज। हाँ यार, 15 डेज मेरे को बेस लैंड पर सर्वाइव करना है। और मेरा चैलेंज तो आपको पता ही होंगे भाई, इस मतलब इस वर्ल्ड में ना मेरे को बहुत ही बड़ा मॉडर्न हाउस बनाना है और साथ ही साथ अपना एक आयरन का आर्मर, हाँ आयरन का आर्मर ही मान लो क्योंकि डायमंड तो यहाँ पे मिलना नहीं वाला, और आयरन का आर्मर बनाना है। और अपने खाने पीने के लिए एक फार्म भी बनाना है और एक एक्सपी फार्म भी बनाना है। और भाई वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक जोर से कर देना, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो पटक पटक के मारेगा ये जैक, ये देखो ये देखो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर। तो मेरे को सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे एक चेस्ट दिया गया है और चेस्ट के जस्ट बाद जो यहाँ पे बेडरॉक क्या कर रहा है, ओ भाई यहाँ पे बेडरॉक है भाई, मैं तोड़ नहीं सकता बेडरॉक को, बट बेडरॉक सबसे हार्ड मटीरियल। तो यहाँ पे मैं मेरे को प्लैंक्स दे दी जाती है और थोड़े बहुत टूल्स, और पता नहीं यहाँ पे किसने रखे हैं भाई, मैंने तो नहीं रखे। फिर आपको मेरे को कमेंट मत मतलब कमेंट में मत बताना कि भाई मैंने चीटिंग की, क्रिएटिव किया भाई, मैंने नहीं रखा ये चेस्ट। ये चेस्ट को भी मैं ऐसे तोड़ लेता हूँ। और यार मेरे को एक वाइन शाफ्ट चाहिए होगी यहाँ पे, जब मेरे को बहुत सारा मिल सके, मतलब वुड मिल सके। तो आपको पता है वाइन शाफ्ट में बहुत सारा वुड होता है, बेड भी मतलब स्ट्रिंग्स होती है, वहाँ पे मैं बेड बना सकता हूँ अपने लिए। और तो मेरे को फटाफट से मैं एक माइंड शाफ्ट तो ढूंढनी ही ढूंढनी होगी। तो कोशिश करूँगा कि भाई मेरे को माइंड शाफ्ट जल्दी जल्दी मिल जाए, नहीं तो रात होने के बाद तो मैं भाई मर ही जाऊँगा हार्डकोर वर्ल्ड में। हाँ यार, मैं आपको बता दूँ ये हार्डकोर है, बट आपको लग नहीं रहा होगा हार्डकोर, बट आप है हार्डकोर है ये। भाई मेरे को यहाँ पर एक भी स्टिक नहीं मिल रही भाई, बहुत 25 स्टिक मैंने कर रखी है, तब भी मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को स्टिक नहीं मिल रही। कैसे कैसा बंदा हो यार मैं। तो टोटल मेरे को बॉइस बहुत सारी चाहिए होंगी स्टिक्स, तब तक मैं 64 स्टिक तो कर ही लेता हूँ अपने लिए, मेरे को चाहिए होगी बाद में। मेरे को स्टिक्स तो नहीं मिलने वाली, लकड़ियाँ लकड़ियाँ ताज़ी ताज़ी लकड़ियाँ, खाना नहीं है भाई, मैं पता नहीं ताज़ी ताज़ी क्यों बोल रहा हूँ। तो यहाँ से भी मैं तोड़ लेता हूँ, कुछ नहीं मिला यार। यहाँ पे मेरे को 2 मिल चुकी है, यहीं से भी मेरे को 1 मिल गई है, तो यहाँ से भी तोड़ते हैं, फिर से यहाँ से तोड़ता हूँ कुछ भाई, इतनी तो इनफ है। तो चलो मेरे को पहले एक माइंड शाफ्ट ढूंढनी होगी, तो मैं लग जाता हूँ माइनक्राफ्ट में एक माइंड शाफ्ट ढूंढने लग जाता हूँ। और मैं आपको बता दूँ मेरे को भाई कभी भी माइंड शाफ्ट मिली नहीं है आज तक कभी मेरे को माइंड शाफ्ट नहीं मिली। तो आज ट्राई करूँगा कि आज मेरे को बेसलैंड में मिल जाए एक माइंड शाफ्ट, मेरा काम हो जाएगा, माइनक्राफ्ट का भला हो जाएगा, मेरा भला हो जाएगा, माइनक्राफ्ट का तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मेरे को स्टिक्स बहुत सारी चाहिए भाई, सिर्फ 1 स्टिक चाहिए मेरे को, सिर्फ वन स्टिक प्लीज़ भाई, 1 स्टिक चाहिए, मेरा एक स्टैक हो जाएगा पूरा। ओ भाई 2 स्टिक मिल चुकी है, इतनी सारी स्टिक देना भाई, डंडा बना के वहीं पीटूंगा, कोई मिल जाए बस डंडा बना के पीटूंगा उससे उसको। तो पानी से मैं यहाँ पे तैरते हुए चलता हूँ। ओ भाई नीचे कोल रखा हुआ है, चलो मैं इस कोल को तोड़ता हूँ। और रुको रुको रुको, मेरे पानी के मेरे बुलबुले कम हो रहे हैं, तो तब तक मैं तोड़ लेता हूँ, अब मेरा बुलबुला कम होगा तब तक तो थोड़ा बहुत मैं तोड़ लूँगा। हार्ड कोर है, मेरे को मरना नहीं है, मरने के बाद तो आपको पता ही है क्या होता है, वर्ल्ड को करो डिलीट। रुको रुको रुको, पानी डैमेज पड़ रहा है। वही गोल्ड भी है, बहुत सारा गोल्ड है। तो मैं अपना खाना वाना खाता हूँ, सेब खा लिया मैंने, सेब एप्पल खा लिया। हाँ तो मेरे को एक कोयला मिल चुका है, तो थोड़ा मैं फिर से सांस लेता हूँ और चलता हूँ नीचे, और फटाफट से एक और कोल तोड़ लेता हूँ मैं यहाँ से। मेरे को बहुत सारा चाहिए होगा यार, बहुत मेहनत लगने वाली है यार। वीडियो लाइक जोर से कर देना, वीडियो का लाइक होने वाला है 50 लाइक है, जल्दी से जल्दी कंप्लीट भी कर देना, मेरे को पता है भाई आप कंप्लीट कर दोगे। अरे नहीं 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 नहीं, उसको दबाए रखना, दबाए रख। रुक जा भाई, पहले सांस ले ले। तो हाँ मेरे को ऊपर से मतलब बैठ के तोड़ना पड़ेगा, नीचे तो मैं जा ही नहीं सकता, अगर नीचे गया तो मैं फिर से मर जाऊँगा, तो मैं यहीं से ले लेता हूँ।
तो चलो 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 अंदर चलो अंदर 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 कोल ले और बाहर आ जाओ। बस कोल कितने हो गए, 4 कोल तो हो चुके हैं। इनफ है भाई, इतना तो बहुत है। तो यहाँ से अभी मैं थोड़ा बहुत और कोबल स्टोन तोड़ लेता हूँ, क्योंकि कोबल स्टोन के मेरे को टूल्स भी बनाने, मतलब स्टोन के टूल्स, जिसमें एक स्वॉर्ड होगी, एक पिकेक्स और एक डबल एक्स क्यों बोल दिया मैंने, और मैं अपने लिए एक फर्नेस भी बनाना है खाना को कुक करने के लिए। मेरे को फटाफट से काम पे लगना होगा। मेरे को ग्रास ब्लॉक भी चाहिए, क्योंकि पेड़ लगाना है ना, मेरे को पेड़ लगाओ बचाओ, ऑक्सीजन बढ़ेगी। पेड़ लगाना चाहिए आपको भी भाई, आप भी अपने आसपास में कहीं पेड़ लगाना चाहिए आपको भी, आप भी लगाओ जाओ, अच्छी बात है भाई। पेड़ लगाना भाई, आप ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी भाई। मैं पानी के अंदर क्यों जा रहा हूँ, मेरे से ब्लॉक नहीं टूट रहा पानी के अंदर से, और मैंने सांस रोक रखी है स्टीव की। मैंने स्टीव अगर पोस्टमार्टम होके मर गया ना, तो वो काम ख़त्म भाई, पुलिस केस हो जाएगा मेरे पे फिर भाई। फालतू की बातें छोड़ो, अपना काम पे ध्यान रखते हैं। 15 डेज सर्वाइव करना है, बेड भी बनाना है मेरे को, तो मेरे को एक माइनशाफ्ट ढूंढनी पड़ेगी कुछ भी करके भाई, कुछ भी हो जाए। आज तो फुल मेहनत हो जाए, बट माइनशाफ्ट तो ढूंढ के ही रहना है। तो मैं फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ क्राफ्टिंग टेबल को, और मैं बनाता हूँ थोड़ा बहुत तो टूल्स बना लेता हूँ, जैसे एक एक्स पिकेक्स और एक स्वॉर्ड बनाता हूँ। हाँ, एक स्वॉर्ड भी बना ली, और एक शवल, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं एक शवल भी बना लूँ अपने लिए। तो ये लो, मैं बस अपना शवल भी बन चुका है। तो बेसिक से टूल मैंने अपने यहाँ पे बना लिए, तो मेरे को आयरन चाहिए होगा अभी जो है गोल्ड तोड़ने के लिए। तो जो जो मेरे को सामान नहीं चाहिए, मतलब जो पिकेक्स मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं अपने फेंक देता हूँ भाई। फेंकूंगा नहीं यार, सारा मेरे को सामान जितना भी है मेरे को काम आएगा, फिर बाद में काम आने वाला है। तो अपनी स्वॉर्ड और ये सवल यहाँ पे रख लेता हूँ, और भी थोड़ा बहुत मेरे को और कोबल स्टोन तोड़ना है भाई। वहाँ पे गोल्ड की तो कमी नहीं है, बट मेरे को आयरन चाहिए होगा गोल्ड तोड़ने के लिए, नहीं तो ऐसे भाई मेरे को गोल्ड मिलेगा नहीं। भाई मेरे को बहुत हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी। तो गाइस अभी जो है यहाँ पे रात हो चुकी है, और रात तो मैंने एक बेड भी नहीं बनाया, और अगर मैंने बेड नहीं बनाया तो मेरा हार्ड गोल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे को फटाफट से 1-2 कोल और तोड़ के फटाफट से मेरे को बेड बनाने में लगना होगा, वह जल्दी टूट यार। ठीक है अब मेरे को अपनी ये जगह को जो है याद रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूल गया तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। तो इस जगह को मेरे को याद रखना पड़ेगा, पानी में मैं नहीं रह सकता, इसीलिए यहाँ पे मैं इस जगह को याद रखूँगा कि यहाँ पे मैंने प्लैंक्स लगा दिए हैं इसीलिए। तो अभी मेरे को यहाँ पे सीप ढूंढनी पड़ेगी, अभी सीप यहाँ पे कहाँ मिलेगी, यहाँ कहाँ सीप तो है ही नहीं। ओ नो यार, मैं क्या करूँ, ओ नो, रात हो चुकी है अभी भाई, कुछ ही देर बाद मॉब स्पॉन भी होने लगेंगे, तो मेरे को मार ना दे गई। तो मेरे को फटाफट से सीप ढूंढनी, 3 सीप तो चाहिए होंगी एक बेड बनाने के लिए, और मेरे पास प्लैंक्स की तो कोई कमी है नहीं, सिर्फ मेरे को सीप चाहिए। और देखो भाई सामने भाई जॉम्बी और स्पॉन भी होने स्टार्ट हो चुके हैं। ओ भाई मेरे पास इतना ब्लॉक्स नहीं है कि मैं उनको मार पाऊँ, और बस इतना ही होप है कि मेरे को फटाफट से सीप मिल जाए। ओए भाई क्या केव है भाई, मेरे को लगा कुछ केव टाइप होगी, बट नहीं। अब फिर स्केलेटन भी आ चुका है, बच के निकलना पड़ेगा स्केलेटन से, अगर इसने तीर मार दिया तो भाई काम ख़त्म भाई, तब तो ख़त्म भाई। एम बोट होता है इस स्केलेटन के पास, और ये स्पाइडर मेरे पीछे पड़ रखा है क्या। ओ नहीं, ओ नो, छुटको, भागना भाई, स्पाइडर मार रहा है मेरे को मारेगा। रुक, इसको पहले मैं दोनों को सलटाना पड़ेगा मेरे को, मैं नहीं मरना चाहिए यार, अगर मैं मर गया ना तो मैं फिर पहले सेव कर लेता हूँ। मैं बहुत डर लग रहा है मेरे को, पीछे से भी स्पॉन हो सकता है। मेरे पास क्या है ना, कोबल स्टोन पड़ा हुआ है तो बहुत सारा, तो इसको यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ और ऊपर चढ़ जाता हूँ, मतलब फुल ऊपर, और एक दिन लगता है मेरे को ऐसे ही जीना पड़ेगा, ऊपर बैठे हुए सर्वाइव करना पड़ेगा। तो मिलते हैं यार अगली सुबह को। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी रात मतलब सुबह हो चुकी है, तो अभी कोई ख़तरा है नहीं, तो चलो मैं वापस चलता हूँ, मतलब वैसे तो मैं तोड़ लेता हूँ सारे जितने भी मेरे पास मैंने कॉबल स्टोन वेस्ट किए थे, तो यहाँ पे सारे मैं तोड़ लेता हूँ भाई। स्टोन की पिकैक्स है तो इससे तोड़ता हूँ, फटाफट से टूट जाएंगे, और सारे मैं अपने ब्लॉक्स को इकट्ठा कर लेता हूँ फिर से। तो ये हमारा लास्ट ब्लॉक,
तो अभी मेरे को जो है अभी थोड़ा बहुत और खाना ढूंढना पड़ेगा। तो अगर मैप पे खुदाई करूँ तो मेरे को अंदर स्टोन मिलेगा क्या? देखते भाई अंदर से स्टोन मिल जाए, थोड़ा बहुत भला हो जाए भाई माइनक्राफ्ट का, मतलब मेरा भला हो जाएगा भाई। अंदर स्टोन है ही नहीं यार, ये कौन से ब्लॉक पता नहीं। ऑरेंज टेराकोटा मेरा कोटा भाई, इस टेराकोटा का मैं क्या करूँ? इसको यहीं लगा दो भाई, अगल बगल में लगा दो इसको, फर्क क्या पड़ने वाला भाई। टेराकोटा से बनता भी तो कुछ नहीं है। यहाँ पे थोड़ा शुगर केन तोड़ता हूँ, चीनी मिलेगी मेरे को, चीनी पेपर कुछ भी बना सकता हूँ उससे। अब मेरे को एक माइनक्राफ्ट ढूंढनी है, तो मैं कहाँ पर ढूंढूँ, कहाँ मिल सकती है मेरे को? तो गाइज इतनी मेहनत के बाद मेरे को एक मतलब कोबल मतलब स्टोन मेरे को यहाँ पे दिख चुका है। तो इस स्टोन को जो मैं यहाँ पे तोड़ लेता हूँ, फिर मैं खाना वाना खाता हूँ, यार हंगर बार बहुत कम है। तो इस स्टोन में मेरे को भाई आयरन भी मिल सकता है, तो देखते हैं कि आयरन मिलने का कितना चांस मेरे को यहाँ पे मिलता है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे सारा कोबल स्टोन तोड़ता हूँ। तो गाइज मेरे को यहाँ पे एक रुइन पोर्टल भी मिल चुकी है भाई। भागते भागते रात हो गई, और रात में देख सकते हो भाई मेरे को एक रुइन पोर्टल मिली। यहाँ पे मेरे को आर्मर मिल सकता है, गोल्ड मिल सकता है, और यहाँ पे एक मेरे को गोल्ड का ब्लॉक भी मिल सकता है। चलो मैं यहाँ पे फटाफट से अपने एक चेस्ट को ढूंढता हूँ, यहाँ पे जो चेस्ट रखी होती है। ओ भाई अब देखो यार स्वॉर्ड मिल गई, शार्पनेस टू, अभी शवल और फ्लिंट का, और क्या करूँ मैं, बहुत सारा फ्लिंट हो रखा है पहले से। तो टोटल मेरे पास 6 फ्लिंट एंड स्टील है, तो एक ऑब्सीडियन भी है। तो चलो मैं अपना जो एक टोपी मिली है गोल्डन वाली, उसको पहनता हूँ। और यहाँ पे जो अपनी एक्स है मतलब स्वॉर्ड को भी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और भी मेरे को अभी वो तोड़ना है, और नहीं 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 मेरे को मारेगा, मेरे को मारेगा भाई। एक फटके मारूंगा सारे खींच के मारूंगा मेरे को। अभी अगले दिन जो गाइस मेरे को अपना घर का काम भी स्टार्ट करना है, तो माइनक्राफ्ट तो मिलने से दूर भाई घर का भी काम भी स्टार्ट करना है। माइनक्राफ्ट को तो ढूंढते रहेंगे। और एक रिविन भी मेरे को मिल चुकी है, इसमें भाई सुबह जाऊंगा। अभी मेरे को रात में डर लग रहा है जाने को, अगर भूत वूत आ गया तो। ये देखो भाई सामने भूत आपको दिख रहे होंगे, इतने सारे भूत है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं चला जाऊँ उसके ऊपर सीधे डायरेक्ट कूद जाऊँ, क्या सोच रहा हूँ भाई मैं। वो एक क्लिक होने से पहले भाई कहाँ गया? और नहीं भाई इसने तो थोड़ा डैमेज नहीं दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, अगर भाई एक और स्केलेटन आ चुका है तो भाई मैं आपको सुबह मिलता हूँ यार, क्योंकि मेरे पास बैठ तो नहीं है, मैं मरना भी नहीं चाहता, मैं हार्डकोर है। तो सुबह मिलता हूँ गाइस आपसे मैं। तो गाइस सुबह हो चुकी है, स्वागत है हमारे तीसरे दिन में, 15 डेज के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। नीचे चलते हैं अब देखते हैं। आयरन गाइस, आयरन मिल चुका है, फाइनली आयरन मिल गया गाइस। गाइस अब ये कहना है भाई आराम से चलेंगे नीचे, अगर मैं मरा तो ख़त्म फिर कहानी तो ख़त्म होगी, साथ में मर भी जाएंगे हम आराम से धीरे। ये तो गोल्ड है और आयरन भी मिल ही चुका है मेरे को गाइस, पैसा ही पैसा, बहुत आयरन है यहाँ पे, आयरन नहीं बहुत सारा गोल्ड है यहाँ पे। अगर मेरे पास 3 आयरन हो चुके हैं हो जाएंगे तो भाई मैं अपने एक पिकेक्स बना पाऊँगा। 3 तो क्या भाई, 4 भी नहीं भाई, बहुत सारे मिल गए। ये 5, ये 6 आयरन, ये 7 आयरन, और ये 8 भाई। एक बनेगा चेस्ट प्लेट तो पूरा बन ही जाएगा, इतने आयरन मेरे पास हो चुके हैं। तो मैंने अपना एक फर्नेस नहीं बनाया, कब से घूम रहा हूँ, सुबह से थक रहा हूँ, इधर उधर भाग रहा हूँ, और मैंने अपना एक फर्नेस भी नहीं बनाया यार। तो फटाफट से अपना एक फर्नेस बनाता हूँ, और इस फर्नेस को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ऊपर टंगा देते हैं इसको यहाँ पर। और अपना पहले मैं आयरन स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ, तब तक आयरन स्मेल्ट हो रहा है तब तक वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस अभी जब मैं यहाँ पे तोड़ रहा था तो मेरे को आगे एक और मिली थी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत और कोबल स्टोन इकट्ठा कर रहा था। और अभी मेरे को यहाँ पे देख सकते हो भाई और भी बहुत सारा आयरन मिल मतलब गोल्ड मिल चुका है मेरे को। तो ये जो है अभी मैं मेरा कोल रखने की भाई मेरे पास जगह बिल्कुल नहीं है, तो मेरे को क्या फेंकना चाहिए? कॉपर फेंको भाई, कॉपर कुछ काम का नहीं है, मैं कॉपर से कुछ बना नहीं सकता हूँ, इसलिए कॉपर को मैं फेंक देता हूँ। मेरे को चाहिए बहुत सारा कोयला, कोयले से मैं बहुत स्मेल्टिंग के लिए काम आएगा ना, तो कॉपर तो कुछ काम नहीं आने वाला। और जितना भी यहाँ पे फिर से गोल्ड मिला है मेरे को वो सारा तोड़ता हूँ, और थोड़ा बहुत मैं बनाता हूँ उससे आर्मर भी बना लूँगा अपने लिए। ये भाई यहाँ पे गोल्ड भी रखने की अब जगह नहीं है मेरे पास, अब क्या फेंकना चाहिए? एक्स फेंक देता हूँ अपनी,
ये दो, मैंने अपने एक्स को फेंक दिया अपनी, अब आप उल्टा मत समझना यार, मैंने एक्स फेंकी है तो अपने और कुछ मत समझ लेना। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत मेरे को, भाई आज तो मेरे को लगता है कि सोने की खदानें मिल चुकी है मेरे को, बहुत सारा सोना ही सोना भाई, सोने में अंधा हो रखा हूँ। कितना सोना मिलेगा मेरे को, वो भाई टोटल 19 गोल्ड मिल चुका है मेरे को, तो उसको भी मैं स्मेल्ट करने के लिए रख देता फटाफट से। वो भाई अभी लगता है मेरा आर्मर तो बन के कम्प्लीट हो जाएगा भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा आर्मर जो है बन के कम्प्लीट हो जाएगा 2 मिनट में। तो गाइस अभी देख सकते हो मैंने अपना पूरा आर्मर कंप्लीट कर लिया है, एक स्वॉर्ड भी है, एक शॉवल भी है और एक आयरन का पिकैक्स भी है। तो मैंने सारा सामान अभी इकट्ठा कर लिया है और अभी मेरे को जो है यहाँ से निकलना है बाहर। तो अगर मेरे को अभी डायमंड मिल जाए तो और भी मज़ा आ जाए। तो चलो मैं पहले यहाँ पे अपना फर्नेस तोड़ लेता हूँ, कोयला भी वापस मेरे को मिल चुका है, मैं वापस कूद नहीं पा रहा। ये क्या भाई, मेरे को और थोड़ा बहुत गोल्ड मिल चुका है भाई, मैं तो आज पूरी गोल्ड की खदान में ही आ चुका हूँ। अरे मेरे को ऐसा लग रहा है कि पूरी गोल्ड की खदान है, गोल्ड मतलब पूरी केवी मेरी है भाई, पूरा सोना यहाँ से तोड़ लो, एक भी सोना यहाँ पे रखना नहीं है, सोनाली का ट्रक। बस मैं आगे जाके देख के आता हूँ कि आगे भी कुछ मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा यार, मज़ा आ जाएगा यार, तो आगे भी कुछ और मिले तो। ओ ओ भाई पूरी केव है यहाँ पे यार, भाई ये देखो अभी मैं अगर मैं यहाँ पे गिर जाता ना तो भाई मेरा काम तो मेरा ख़त्म ही था और मैं मर भी जाता। तो चलो मैं बाहर निकलता हूँ भाई, मेरे को तो डर लग रहा है अगर मैं मर गया ना तो काम ख़त्म, पैसा बर्बाद। तो चलो चलो बाहर चलो, बाहर चलो फटाफट से चलो, जल्दी 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 जल्दी। तो मैं आया कहाँ से था, ओ भाई बाहर बाहर, ओ नहीं नहीं क्या हुआ भाई, ये क्या हो गया भाई, बहुत बुरा लग रहा है मेरे को क्योंकि मैं भी मर चुका हूँ, मरने के बाद फिर से मैं रिस्पॉन होके आया हूँ भाई, बहुत मुश्किल से मैं रिस्पॉन होके आया हूँ। और अभी मैं फिर से अपना भी घर बनाने लग जाता हूँ भाई, अभी मैं कहीं नहीं जाऊँगा केव में, तो भाई कतई ही नहीं जाने वाला मैं। तो अभी मैं फटाफट से अपने यहाँ पे घर बनाना स्टार्ट करता हूँ और भी आप बने रहो यार वीडियो पे एंड तक, क्योंकि अभी मैं बहुत ही बेस्ट वाला घर बनाऊँगा, क्योंकि अपने आर्मर का एक चैलेंज तो मैंने अपने कंप्लीट कर ही लिया है। तो ठीक है मैं फटाफट से अपना घर बनाने के लिए अपनी जगह को फ्लैट कर लेता हूँ, बहुत बड़ी जगह बनानी है मेरे को। और आर्मर बना लिया तो सिर्फ मेरे को अब दो ही चैलेंज रहते हैं, घर बनाना एक फार्म बनाना, बस इतना ही चैलेंज रहता है भाई। मैंने फिर से गलत लगा दिया भाई, कुछ भी हो जाए मैं तो भाई गलत लगाना ब्लॉक गलत ही लग ही जाता है बार बार, पता नहीं अपने आप कैसे लग जाता है बट लग जरूर जाता है। ओ भाई ये भी तो और भी काम बाकी है भाई, तो इतना करने में भाई मेरे को भाई 2 साल। तो गाइस ये है मेरा मतलब टोटल 10वां दिन, 10वें दिन में मेरे को वहाँ पे जो मैं मरा था वहाँ पे मैं सामान लेने गया, वहाँ पे मेरे को एक शिप मतलब छोटी मोटी वो मिल चुकी थी माइनशाफ्ट, वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत स्ट्रिंग्स तोड़ी, वहाँ से मैंने मतलब मैं वहाँ जब मरा था मैंने वीडियो रिकॉर्ड इसलिए नहीं की क्योंकि वहाँ पे बहुत अंधेरा हो रखा था, मेरे पास टॉर्चेस भी मेरे सारे गुम चुकी थी। तो चलो भाई मैं यहाँ पे बेड पे क्लिक करके सो जाता हूँ और सुबह मिलते हैं 11वें दिन में, 11वां। तो वहाँ पे 11वें दिन में यहाँ पे मैंने अपना रीसेट पॉइंट सेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अभी घर बनाने लग जाता हूँ। तो यहाँ पे एक चेस्ट रखता हूँ, यहाँ पे एक भी फर्नेस रख देता हूँ अपना और यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे रख देता हूँ। और बेड में मेरा वहाँ पे क्या कर रहा है भाई, बेड को वहाँ पे पास में लेके आओ। तो भाई खाने को भी कुछ नहीं है यार मेरे पास, शिट वहाँ पे रीसेट पॉइंट सेट कर लो, अगर मैं मर भी जाऊँ तो वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। स्वॉर्ड भी चाहिए होगी मतलब ये जो जो मेरे को नहीं चाहिए मैं पे रख देता हूँ, मैं मतलब रखता जाता हूँ। अब मेरे को क्राफ्टिंग टेबल से ना थोड़े बहुत डोर्स बनाने होंगे, रुको हाँ तो थोड़े बहुत डोर्स बनाने हैं और यहाँ पर मेरे को स्टेयर्स बनानी है, तो 4 स्टेयर्स तो इनफ होंगी। तो अभी मैं जो है अपना घर बनाने में लग जाता हूँ, तो पहले मेरे को यहाँ पे अपने घर की बॉर्डर्स बनानी होंगी, एक यहाँ पे बनाता हूँ मतलब गिन गिन के बनाऊँगा ना, तो वो भी यहाँ पे मैं 6 ब्लॉक्स गिन के फिर से एक ब्लॉक लगाऊँगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे। चलो एक और ब्लॉक यहाँ पे लगाते हैं और एक मतलब 2 ब्लॉक और गिन के फिर से मतलब 3 ब्लॉक गिनता हूँ फिर से एक ब्लॉक लगाऊंगा, 1 2 3 यहाँ पर। ठीक है तो गाइस जैसे मैं अपने कर सक मैं मतलब करते करते यहाँ पे अपना पूरा घर का मैं बॉर्डर बना लेता हूँ। तो गाइस मैंने
अपने लिए मतलब अपने घर के लिए सब ऑर्डर मैंने बना लिया है। तो अभी रात हो चुकी है, तो मतलब रात तो नहीं हुई है, तो फिर बेड के पास में ही रहता हूँ। और अभी मैं जहाँ पे फटाफट से टेराकोटा ऑरेंज टेराकोटा का अपने पूरा घर होने वाला है, तो मैं फॉर्म भाई मैं इतना जो ये कौन सा मतलब अपने दो लेवल भी मैं अपने जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर फार्म की बात है तो फार्म तो मैं बना ही लूँगा, तो बट मेरे को पहले अपना घर कंप्लीट करना है यार। मैं ब्लॉक को गलत वेस्ट नहीं करना यार, ब्लॉक भाई बहुत कमी नहीं है, मतलब कमी तो नहीं है, मतलब ऑरेंज टेराकोटा तो मेरे को हर जगह मिल जाएगा, बट मेरे को भाई एकदम प्यार से अच्छा सा एकदम खूबसूरत सा घर बनाना है भाई, देखने में अच्छा लगे ना आप मतलब आप सबको देखने में अच्छा लगे ये घर। हाँ तो मैं फटाफट से बनने लग जाता हूँ मेहनत करने में भाई, मेहनत करने से कभी डरना नहीं चाहिए, वो आज मेरे को पता चल रहा है। मेरा ब्लॉक्स ख़त्म हो चुके हैं भाई, टेराकोटा ब्लॉक्स चाहिए ऑरेंज भाई, दो मिनट दो मैं अभी लेकर आता। तो गाइस अभी फाइनल टाइम आ चुका है, अभी अपना यहाँ पे देख सकते हो मैंने इतना कुछ अपना काम यहाँ पे कर लिया है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओए भाई यार यहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन मर रहे हैं, और इतना बड़ा कुछ यहाँ पे मैंने बनाया, मैंने इतना बड़ा फार्म बनने वाला है, तो ये सारा डर्ट जितना भी है ना ये सारा मैं खोद लेता हूँ फटाफट से। और यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ अपना फार्म, और अपना फार्म बनाने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर ही मैं बना दूँ। हाँ तो इसके ऊपर ही मैं बना लेता हूँ ना, छोड़ो यार ना फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करना, इसके ऊपर ही मैं बनाना स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो इससे मेरा कुछ फार्म भी बन जाएगा। तो मेरे को लग रहा है कि भाई डर्ट थोड़ा कम पड़ने वाली है, क्योंकि भाई मेरे को बहुत ही मेहनत से मिली यार यहाँ पे। मैं डर्ट लेने लेकर मतलब जब मैं लेने गया था डर्ट को, तो मेरे को भाई अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ा भाई मेरे को, जब मेरे को जाके भाई थोड़ी बहुत मतलब दूसरी बायोम मिली, फिर मैंने उसमें जो है अपने बहुत सारा डर्ट इकट्ठा किया यार, मेरे को फिर से जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं फिर से थोड़ा डर्ट मैं लेके आता हूँ यार, बहुत दूर है तो मेरे को दूर दूर, दूर तक जाना पड़ेगा यार। अब भाई आपको मैं दिखा भी नहीं सकता ना, अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा, इतना दूर है भाई। तो आप सिर्फ मेरे को दो मिनट दो मैं भी आता हूँ। तो गाइस मैं आपको भी बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने जो है ये मतलब मैंने यहाँ पे जो इतने सारे खांचे बना रखे हैं, तो इसमें मैं क्या क्या रखने वाला हूँ तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अपना तो फार्म होने वाला है इनफाइनाइट फूड के लिए, ठीक है आपको तो पता होना चाहिए कि बेस लैंड पर फूड की भाई बहुत ही ज़्यादा कमी है, यहाँ पे ना शीप्स है ना ही कुछ है, तो यहाँ पर मैं अपने लिए एक इनफाइनाइट फूड फार्म भी बना लेता हूँ। और यहाँ पर अपने लिए एन्चेंटमेंट रूम होगा, यहाँ पर अपने लिए एक्सपी फार्म भी होगा। और भाई चलो चलो अंदर चल के अंदर किसे जाऊँ भाई मैं, यहाँ मैं से तोड़ के जाना पड़ेगा। तो भाई मेरे को जो है फटाफट जाके थोड़े बहुत फेंसेस के डोर बनाने पड़ेंगे, तो भाई डोर बनाने के लिए मेरे को ये वाला डोर बनाने, तो भी मेरे को जो थोड़े बहुत स्टिक तो मेरे को चाहिए ही होंगे। और भाई यार प्लीज़ दो गेट फेंसेस गेट तो बन जाने चाहिए। चलो भाई मैं ट्राई करता हूँ एक और बन जाए, फाइनली एक और बन चुका है। तो अभी मैं जो है दोनों यहाँ पे लगा देता हूँ जाकर, फेंस गेट कहाँ गया यार मेरा, हाँ तो अपने यहाँ पे फेंस गेट है तो एक तो मेरे को यहाँ पे लगाना है, ठीक है तो इसको यहाँ से मैं तोड़ लेता हूँ, और एक को तो अपन यहाँ लगा देंगे यहाँ पर ऐसे, और दूसरे को यहाँ पे थोड़ा को गलत रॉन्ग साइड पर लगा दिया रॉन्ग साइड पर लगा दिया फेंस। तो ठीक है भाई अभी मैंने यहाँ पे बना दिया है, और ये दो यहाँ पे फेंस मिले हैं तो मैं यहाँ पर इनको लगा देता हूँ, अगर मेरे अलावा कोई आ ना सके इस पर मतलब इस वर्ल्ड में। तो भाई अभी मेरे को जो बहुत काम बाकी है, बहुत काम बाकी है, तो अभी मैं यहाँ पर जो मेरे को वो भी बनानी पड़ेगी, बुक शेल्फ और एन्चेंटमेंट टेबल भी बनानी है, तो आता हूँ मैं मिल बना कर। गाइज अभी आज मैंने भाई सारे चैलेंज अपने मतलब कंप्लीट कर लिया है 15 डेज के। और गाइज अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जोर से कर देना, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।